हेलो फ्रेंड, मैं आपके लिए आज यहाँ पर एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ, ऐसी धांसू ट्रिक लेकर आया हूँ कि आप भी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे जैसे मेरे होश उड़े। हाँ फ्रेंड, सच बोल रहा हूँ कि आप ऐसी एक ट्रिक आ गई है कि आपकी फ़ोटो का बैकग्राउंड एक मिनट में रिलीज हो सकता है, आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड एक मिनट में चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड, ये धांसू ट्रिक मैं आपके लिए लाया हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आप क्या करते हैं कि अगर आपका फ़ोटो एडिट करना हो तो हम यहाँ क्या करते हैं, पिकास लेते हैं या स्नैपसीड लेते हैं या एलआर लेते हैं, यहाँ पर किसी भी से अपना फ़ोटो एडिट कर लेते हैं या फिर अपना बैकग्राउंड एडिट करना है तो हम मोस्टली यूज़ करते हैं पिकसार्ट को, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको ऐसे एक धांसू ट्रिक लेकर आया हूँ कि आप अपना बैकग्राउंड एडिट कर सकते हो भी एक मिनट में। तो फ्रेंड, इस वीडियो को चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते। तो यहाँ पर आपको सिंपली से आना है अपने क्रोमा ब्राउज़र में। यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है सर्च बार में remove.bg। यहाँ पर जैसे भी आप लिखोगे यहाँ पर वो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस खुलेगा, ये देखिए फ्रेंड। यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पे जाना है और यहाँ पर अपनी जो अपलोड करना चाहते हो वो इमेज आपसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। सेट कर लीजिएगा, देखिए एक मिनट में आपका बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर बैकग्राउंड रिलीज हो गया है अपनी फ़ोटो का। अगर आप ऐसे ही फ़ोटो डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको स्टिकर बनाना है अपनी फ़ोटो का या फिर आपने बैकग्राउंड इसे रिलीज करना है तो यहाँ से आप वैसे बैकग्राउंड रिलीज कर सकते हो। अगर आपको अपने बैकग्राउंड रिलीज किया है उस फ़ोटो को अगर बैकग्राउंड लगाना है दूसरा, तो यहाँ पर आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पर बैकग्राउंड मिल जाएंगे। देखिए मैं एक सिंपली से आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ये लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा जो इंटरनेट है वह स्लो चल रहा है, इसकी वजह से आपको ऐसे दिखा पा रहा हो। तो ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, बिना किसी आपके बिना किसी टेंशन के आप यहाँ पर अपना फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लर का भी ऑप्शन है, यहाँ पर ब्लर कर सकते हो। मैं यहाँ पर इतना ब्लर कर देता हूँ, ये देखिए किससे लग रहा है। तो यहाँ पर ओरिजिनल एडिटिंग के बराबर यहाँ पर लग रहा है। अगर आपको ये फ़ोटो डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर सिंपली से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके ये आपका फ़ोटो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे यहाँ पर कमेंट में बता दीजिए। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। टारगेट रखता हूँ 1K लाइक का, तो फ्रेंड इस 1K लाइक को आप पूरा कर दीजिए। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। तो चलिए फ्रेंड।